सड़कों पर लोग दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में और हम और आप ये बात जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिजिटल पार्टी है और अगर वो गूगल से देख रहे होंगे तो कमरे में टीवी के सामने घबरा रहे होंगे। यहाँ तो है नहीं कोई, वो तो डिजिटल इंडिया वाले लोग हैं तो गूगल से देख रहे होंगे ऊपर से, और अगर गूगल पे देख रहे होंगे तो जानते हो हालत क्या हो रही होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं बिहार की जनता को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और नौजवान तेजस्वी को कि कम से कम निकल करके उन्होंने आवाज तो दी है देश में। और अगर आवाज बिहार से है तो ये तो 11 करोड़ की जनता की आवाज है। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ का है, आपकी आवाज से आवाज मिला देगा और बंगाल से लेकर के देश जब आवाज देगा तो ये बात साबित हो जाएगी कि हमें बीजेपी भगानी है और देश बचाना है। और हम देश ऐसे ही नहीं बचाना चाहते हैं, हम आपको कोई झूठ बात बोलने नहीं आए कि हम देश बचाना चाहते हैं। हम यही बात कहते हैं कि हम केवल देश बचाना चाहते हैं और देश इसलिए बचाना चाहते हैं कि देश को इन्होंने पीछे कर दिया और सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है तो हमारे किसानों को और गरीबों को पीछे करने का काम किया है। हम गरीबों से किसानों से पूछना चाहते हैं, अब तो 3 साल गुजर गए हैं, ये अच्छे दिन वाले लोग न्यू इंडिया की बात करने लगे, हम उनसे पूछना चाहते हैं बताओ तुम्हारे अच्छे दिन में और न्यू इंडिया में क्या फर्क है, कम से कम हमें आज समझा दो, क्योंकि 3 साल से ज्यादा आपके सरकार का समय गुजर चुका है। हम तो बिहार के किसान भाइयों से पूछेंगे, गरीब से पूछेंगे कि बताओ 3 साल में उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये हमें बता दो क्या बदलाव आया है 3 साल में उनके। और नौजवान आपसे हम तो इसलिए नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि आपको तो कुछ मिला नहीं, कुछ मिलेगा भी नहीं, और इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो जानते हैं हम नारे से चुनाव जीत जाएंगे, मोबाइल पे कुछ कह देंगे फैला देंगे उससे चुनाव जीत जाएंगे, टीवी पे कुछ दिखा देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। चलो कम से कम कुछ तो अच्छा हुआ, अभी एक राम रहीम के चक्कर में टीवी के लोग कुछ सच तो बोलने लगे। मैंने टीवी देखते हुए देखा कि जिस चैनल की गाड़ी जली है वही चैनल बोल रहा था हमारी गाड़ी जल गई। अरे चैनल के लोगों भाइयों, हम तो एक हो गए, सब एक हैं यहां, कम से कम आप दूसरे चैनल की भी बता देते हैं कि हमारी तो जली है गाड़ी लेकिन दूसरे वाले चैनल की भी गाड़ी जल गई है। ये आस्था से देश चलेगा क्या? अरे हमसे ज्यादा कौन है भगवान को मानने वाला? अरे जहां कहोगे वहां खड़े होकर के हम झुक जाएंगे, आप बताओ तो सही कहां पर है भगवान, हम वहीं पर झुक जाएंगे। अरे हम तो सब में ढूंढते हैं और भगवान से कौन नहीं डरता। हम तो लखनऊ में देखते हैं पेड़ के ऊपर इतने घंटे लग गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कहीं चोरी हो जाए डकैती हो जाए लेकिन पेड़ का घंटा आज तक मैंने चोरी होते हुए नहीं देखा। हम तो ऐसे ही हैं, जहां बता दोगे हम वही भगवान मान लेंगे, कम से कम बताओ तो सही कहां पर है। और फिर हमारा किसान पूछता है, नौजवान पूछता है, बोलो नौजवान साथियों रोजगार कब मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और याद रखना हमारा देश आबादी में बहुत बढ़ा गया है, बहुत
तबाह हो गया है। इन्होंने कहा कि नोटबंदी से हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हम पूछना चाहते हैं नोटबंदी से आखिरकार किसको फायदा हुआ है? याद रखना बिहार के लोगों, हमने चुनाव भर कहा उत्तर प्रदेश में, ये रुपया काला सफेद नहीं होता, ये रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन्होंने धोखा दिया, ताकि रुपया काला सफेद होता है, सब पैसा जमा करा लिया। हमारा गरीब कितना भोला था, वो समझ नहीं पाया ये किसके लिए जमा हो रहा है। वो बैंकों को बचाने के लिए पैसा जमा हो गया, अभी गरीबों को कुछ नहीं मिला। हमारे बिहार में बाढ़ है, यूपी में बाढ़ है, ये पानी बरसने से बाढ़ नहीं आई है। हमने तो देखा टीवी पर कि बहुत बड़ा पैकेज मिला है बिहार को, और तेजस्वी जी जब आपके चाचा पैकेज लेने गए हालांकि अगर अकेला चाचा उन्हें बोलोगे तो बात बनेगी नहीं, अगर उन्हें डीएनए वाला चाचा बोलोगे तो बात थोड़ी समझ आएगी। मैंने देखा कि एक रंग का कुर्ता पहन करके लेने गए थे, कुर्ते का रंग दोनों का एक था। अब तो बिहार में बाढ़ है, हम तो कहना चाहते हैं गरीबों से कि यूपी में अगर बाढ़ आई होती और जान किसी गरीब की चली गई होती, और हमने देखा कि भी दिखाया है अगर हमें किसान दुर्घटना बीमा के माध्यम से मदद करनी पड़ी तो हमने 5 और 10 लाख रुपए देकर के भी किसान की मदद करने का काम किया। हम पूछते हैं इतने बड़े पैकेज का होगा क्या? 1 लाख जाने कितने हजार करोड़ का पैकेज मिल गया और आपने बात मान ली, आपने बात यह भी मान ली कि अकाउंट में पैसा आने वाला है, तो कब मदद होगी ये बताओ हमें। पैकेज आपके पास, पैसा आपके पास, जिनकी जान गई है उनकी मदद क्या होगी? जिनका घर बह गया, झोपड़ी बह गई, उनकी मदद क्या होगी? जिनके जानवर चले गए, भैंसें चली गई, गाय चली गई, बकरी चली गई, अरे कम से कम गाय के लिए पैसा दे दो। कोई रिश्ता नहीं है अगर भैंस से और बकरी से, तो गाय वाला मामला तो आपको याद होगा। और हमने अपने प्रदेश में तो तय कर लिया है कि बहुत गाय हो गई है सड़क पर, गाय हमारी माता है, हमारी पहले असली माता है गाय। हम लेकर के जिलाधिकारी महोदय जी को भार दे आएंगे कि भाई इनका ख्याल रखो, हम भी देखभाल करेंगे, आप भी करो देखभाल। बताओ किसान गरीब जिनकी जान चली गई कब मदद मिलेगी? और न्यू इंडिया वाले लोग, ये जाने कौन सा स्टैंडअप डिजिटल जो हमें समझ में नहीं आता कौन सा भारत है। हम तो किसानों का भारत और नौजवानों का भारत बनाना चाहते हैं, और कम से कम उदाहरण उत्तर प्रदेश में हमने बना करके दिखाया है। और मैंने कहा उत्तर प्रदेश में, हालांकि हमारे सड़क मंत्री भी रहे तेजस्वी जी, मैंने अपने चुनाव में कहा और आज गूगल पे देख लो, अगर ये अमेरिका का एक्सप्रेस वे दिखेगा, यूरोप का कोई एक्सप्रेस वे दिखाई देगा, तो आपके भारत देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे अगर कहीं दिखाई देगा तो वो उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, वो समाजवादी लोगों ने बना करके दिखाया। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले 18 लाख लैपटॉप बांट दिए। हम तो मोबाइल से जोड़ना चाहते थे, मोबाइल हमारी योजना की नकल कर ली, चोरी कर ली, कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है फ्री मोबाइल, ये तो हम देने वाले थे फ्री मोबाइल उत्तर प्रदेश में, हमारी सरकार चली गई, हम नहीं दे पाए। अब सुना है कोई कंपनी फ्री देने वाली है, ये तो हमारी योजना थी। हम तो जानना चाहते हैं जीएसटी से और नोटबंदी से कितने नौजवान बेरोजगार हुए हैं, और अगर बेरोजगार ज्यादा हुए हैं और आपने नौकरी कितनी दे दी, कम से कम उसका हिसाब किताब बता दो। इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक धरती है ये। और
हमारे यहां तो अभी अभी हुई जांच, नदी के किनारे की जांच हो गई, कोई क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ने का मामला, हमारे यहां तो रोमियो को रोका जा रहा है। अरे रोमियो जो पकड़े गए बीजेपी के लोग, बताओ सबसे ज्यादा किस पार्टी के रोमियो निकले हैं, ये भी हिसाब किताब हमें दे दो। इससे बात बड़ी नहीं करना चाहता हूं, ये संघर्षों की धरती है, ये इतिहास बदलेगी और जो लड़ाई हम सबको हक मिले ऐसा देश बने, क्योंकि ये होशियारी से आपके भी आधार बन गया। अरे जो कुछ हिसाब किताब लगाना है आधार से हिसाब किताब लगा सकते हो, और कम से कम देश में जितने रहने वाले लोग हैं उनको हक देने का काम करो। अगर कुछ छेड़खानी कर रहे हैं आप तो सबको सब हक दे दो। हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। आधार आपके पास है, गिनती आपके पास है, कंप्यूटर आप चला लेते हो, केवल एक चीज टाइप कर देना, पूरे देश में पता लग जाएगा कौन कितना है, सबका हक दे दो। यही हम इस रैली के सामने मांगने आए हैं, बिहार के लोगों को मदद करना और भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी।